वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे कि क्या व्हिस्की को आप कोल्ड ड्रिंक के साथ पंच करके पी सकते हैं, क्या ये सही है या गलत। बल्कि मैं बोलूंगा कि कोई भी अल्कोहल जैसे कि रम, जिन, वोडका, ब्रांडी, टकीला, इन सब स्पिरिट को या अल्कोहल को क्या कोल्ड ड्रिंक्स के साथ लेना सही है या गलत। तो इसके रिगार्डिंग आंसर जो है वो बहुत साफ और क्लियर है फ्रेंड्स। इसका आंसर है जी नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ अल्कोहल को पीना या कोई भी स्पिरिट को पीना बहुत हानिकारक है, आपको पीना नहीं चाहिए। साथ साथ एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। मतलब अगर आप अल्कोहल को कोल्ड ड्रिंक के साथ मिलाकर कंटिन्यू पीते चले जा रहे हैं और वो भी लिमिटलेस, कोई कंट्रोल नहीं है, मॉडरेट ड्रिंकिंग को आप फॉलो नहीं कर रहे, तब जाके ये बहुत डेंजरस है। बट हाँ, ये भी सही है कि मान लीजिए आप सप्ताह में एक दिन व्हिस्की कोक के साथ पी लिए, या महीने में दो तीन बार कोक के साथ पी लिए, या सोडा के साथ आप व्हिस्की को कंज्यूम कर लिए, तो ये उतना हानिकारक नहीं होगा जितना कि डेली ड्रिंकिंग के लिए है। तो डेली ड्रिंकिंग के लिए हमेशा ऑब्जेक्शन है कि आप ऐसा मत कीजिए। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एक साल पहले बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, इवन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पर मैंने डिटेल से बताया कि क्या साइंटिफिक रीज़न होता है, क्या रिसर्च कहता है और क्यों पीना नहीं चाहिए, मैंने डिटेल बताया। अगर देखना तो आराम से देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर। वहाँ पर मैंने नोटिस किया, बहुत सारा कमेंट आया था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि दादा जब आप कॉकटेल बनाते हैं तब भी तो आप कोल्ड ड्रिंक्स को डालते हैं, सोडा को डालते हैं उसमें, तो फिर वो क्या हानिकारक नहीं है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक ही जवाब दूंगा कि अगर आप डेली उन सब कॉकटेल को पीते हैं वैसे ही तरीके से, और वो भी तीन तीन चार चार एक एक बार में, तब जाके ऑफ कोर्स ये भी डेंजरस है। बट कॉकटेल बनाने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो आप में नहीं है, आप लोग रोज नहीं बनाओगे, कभी कभार एक आध बार पी लेंगे तो मतलब बहुत बड़ा बात हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स के साथ क्यों अल्कोहल को पीना पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा एक टेस्ट मास्किंग का काम करता है। जैसे कि आप लोगों को तो मालूम है अल्कोहल स्पेशली व्हिस्की बहुत बदबूदार होता है, बहुत बिटर टेस्ट करता है जब आप टेस्ट करते हैं ना, इतना खतरनाक टेस्ट करता है। तो उसके ऊपर अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स को डालते हो, कोक, स्प्राइट या कुछ भी, तो वो जो बिटरनेस है वो गायब कर देता है, आपको एक सूदिंग टेस्ट मिलता है, आप आपको सुरूर मिलता है, तब आप आराम से पीते रहते हो। और सेकंड पॉइंट पे मैं बोलूँगा, ऑफ कोर्स ये बहुत टेस्टी बना देता है अल्कोहल को, तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स को मिलाते हैं आप लोग। और सोडा के साथ आप क्यों मिलाते हो, क्योंकि सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और जैसे ही आप व्हिस्की के साथ मिला के पीते हो तो आपका माउथ फील बहुत बढ़िया होता है, वो जो बबली टेक्सचर है क्वाइट यूनिक बना देता है आपका ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस को, तो इसीलिए आप सोडा के साथ भी पंच करके पीते रहते हैं। तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स के साथ आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्पेशली व्हिस्की, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी बहुत खतरनाक है। जैसे कि आप नोटिस करेंगे, आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स के साथ पीते हैं तो आपका जो हाथ है ना वो ज़्यादा शेक करने लगेगा, कंटिन्यू अगर पीते आए हैं तो। आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि आपका बाल जो है वो बहुत जल्दी झड़ने लगता है, और आपका स्किन का प्रॉब्लम आता है, आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाते हो, 25 अगर उम्र है तो 30 दिखने लगते हो। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा ही होगा, साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और तो और डिहाइड्रेशन होगा, आपका जो अस्थियां है, बोन्स है, वो भी गलने लगेंगे। तो इतना सारा प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आपका बॉडी के ऊपर हावी होता जाएगा अगर आप कंटिन्यू करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के साथ व्हिस्की को पीना। तो फ्रेंड्स, अभी जानेंगे कि हम लोग जैसे व्हिस्की के साथ कोक, सोडा, स्प्राइट ये सब मिला के पीते तो कैसे रिएक्ट करता है हम लोगों का बॉडी। जैसे ही आप पियेंगे तो वो एक्चुअली तो है कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर में जाते ही 60% डकार के जरिए निकल जाएगा और रह जाएगा 40%। अब ये जो 40% रह जाता है ये एक्चुअली रहता है कैफीन, जो कोक बनाने के टाइम पे यूज़ होता है, और शुगर रहता है या ग्लूकोज रहता है।
अब ग्लूकोज और कैफीन जब अल्कोहल के साथ बॉन्डिंग होकर आपका शरीर में जाता है तब लीवर उसको ब्रेक डाउन करने का कोशिश करता है। अब लीवर के ऊपर डबल इफेक्ट पड़ जाता है, एक तो शुगर है ऊपर से अल्कोहल है, दोनों को प्रॉपर टाइमली ब्रेक डाउन करना पड़ता है। अब इस दौरान अगर आप टाइम नहीं देंगे अपना बॉडी को, यू नो फर्स्ट ड्रिंक से सेकंड ड्रिंक तक, तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। जैसे कि हम लोग अगर फर्स्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसके बाद कम से कम आधा घंटा टाइम देना चाहिए उसके बाद सेकंड ड्रिंक, बट हम लोग तो ऐसा करते नहीं है, तो ये प्रेशर और बढ़ जाता है और इसीलिए लीवर सब कुछ छोड़ देता है और ब्लड स्टेम में घुल मिलने लगता है अल्कोहल। और कैफीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज रहने के कारण वो जो वेन्स है हम लोगों का वो थोड़ा मोटा हो जाता है और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है और इसके कारण हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है अपना बॉडी में और हम लोग सोचने लगते हैं कि यार हम लोगों को अलग सा पावर मिल गया है, हम लोग कुछ ज़्यादा पियेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंटॉक्सिकेशन होता ही नहीं है। आप सोचते हो कि आप एकदम सुस्त हो, आप शायद आज 5 पैक ले लोगे क्योंकि आपको लगता होगा कि यू नो आज अल्कोहल असर नहीं कर रहा है, तो आप एक के बाद एक लेते जाओगे और उतना ही जल्दी इंटॉक्सिकेटेड भी हो जाओगे। और विस्की कोला का ये कॉम्बिनेशन अननेचुरली आपको बूस्ट भी करता है और इसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली जब भी अल्कोहल हम लोग का बॉडी में आता है तब वो पानी को चूसना चालू करता है, तो इसलिए पानी का मात्रा कम होता है। अब अगर यहाँ कोई वाटर से विस्की को पीता है तो कम से कम वाटर सप्लाई तो शरीर में जाता है, मतलब वाटर तो अंदर में जा रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन थोड़ा कम होगा, बट अल्कोहल के साथ अगर आप कोक को मिलाते हैं तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा और इसी के कारण आपका बाथरूम भी कम आएगा। यूजुअली आप देखेंगे अगर आप वाटर्स के साथ अल्कोहल को पीते हैं तो घड़ी घड़ी आपको बाथरूम लगता है। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होना चाहिए क्योंकि बाथरूम के ज़रिए जितना भी अल्कोहल आपका शरीर में जा रहा है उसको निकाल दे रहा है शरीर, क्योंकि शरीर जो है ना, हम लोग का जो बॉडी है वो हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है, वो कभी नहीं चाहता है कि कोई भी पॉइजन अंदर में रह जाए, तो निकालता रहता है थ्रू यूरिन। बट क्या होता है, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक के साथ पीते हैं तो यूरिन जो है ना वो ब्लॉक्ड होता है, मतलब होता नहीं है जितना चाहिए। अब इसमें डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है, आपका शरीर में जो वाटर का मात्रा है बहुत कम हो जाता है और इसीलिए आपको मैक्सिमम हैंगओवर मिलता है। दूसरा दिन आपको पता चलता है बाप रे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक के साथ अल्कोहल को पीना बहुत खतरनाक है फ्रेंड्स, बहुत खतरनाक, और वो भी अगर आप रेगुलर पीते हो, डेली पीते हो तब जाके तो और भी खतरनाक है। तो रिकमेंडेड है कि अगर आप विस्की को एंजॉय करना चाहते हैं तो सिंपल पानी से एंजॉय कीजिए, जो उतना हानिकारक नहीं है एज कंपेयर टू दिस। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर सच में अच्छा लगता है तब जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हो।